इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेट 21.4, जिसमें हम पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नांकित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नाम आएगा। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको क्या आएगा। मैं केवल आंसर बता देता हूँ, आंसर आने वाला है 4। आप इसे अपने अनुसार से सॉल्व कर सकते हो, बनाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 77, 45 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इतना कमाता है तो कितना प्रतिशत वह कमा सकता है, कितना लाभ उसको हुआ है। 77 का आंसर होगा 12.5%, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 78, यदि एक शंकु के आधार क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल का 1.96 गुना बढ़ जाता है, 1.96 गुना बढ़ जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होंगे। 78 का आंसर हो जाएगा 96%, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 79, यदि 30 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 आदमी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना भाग काम पूरा करेगा। 1/30 काम पूरा करेगा, ये सब कोई सोच सकता है, सब कोई जान सकता है, लेकिन 1/900 काम करेगा ये किसी को नहीं पता रहता है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। आप इसे सॉल्व करोगे ना तो इतना आंसर आएगा ही आएगा। बुक का भी नाम मैं बता सकता हूं, आप मेल करना, मेल पे आपको बुक का नाम मालूम चल जाएगा। नहीं तो आप यह भी कर सकते हो, SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसका भी बुक में आ जाता है। नहीं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव वाले बुक खरीदोगे ना तो उसमें यही सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आप सवाल को यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आपको बताना है। मैं केवल आंसर पर टिक लगा देता हूँ, इसका होगा डी 9। 9 इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, 5 + 5 + 200 बार और 8 + 8 + 100 बार का औसत क्या होगा। तो इसका जवाब ढूंढना है ना, तो इसका औसत क्या हो सकता है, मतलब जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। तो 6.5, 7, 6 या 75, तो 81 का आंसर हो जाएगा 6 औसत इसका आएगा आंसर, सब काट छाट कर। तो आपको यही देखना है काट छाट का आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 82, यदि दो संख्याओं का महत्तम संप्रवर्तक 6 और लघुत्तम संप्रवर्तक 120 हो तो उन संख्याओं का कौन सा एक जोड़ा है। आंसर हो जाएगा 24.30 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, एक क्लास में कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, इनमें से ये पता नहीं कि लड़का कितना है लड़की कितना है। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या को निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, मतलब इसमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। तो सीधा एक रेशियो 6 नहीं हो सकता है। 83 का आंसर हो जाएगा 3। देखो ये नहीं कि मैं आंसर देख कर बताया, इसको एकदम दिमाग से तुरंत पढ़ा क्वेश्चन और तुरंत इसको बता दिया हमने। इसी तरह क्वेश्चन को पढ़ो आंसर लिख दो, सोचोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितना होगा। तो उस समय ट्रेन की गति होता है 36 किलोमीटर पर घंटा प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 85, सरलीकृत करें, मतलब इसका हल ढूंढे और इसका जवाब लिखे। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, 85 का आंसर होगा डी 17.68। क्वेश्चन नंबर 86,
रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी, मतलब कुछ उधार लिया था। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी? तो 3 लिया था, तो कितने की ली थी? 3 उसने धनराशि लिया तो कितने की ली थी? एक तो 13,300 का भुगतान किया, तो मतलब वो सही में कितना रुपया लिया था भैया कर्जा? तो सही में वो 14,000 रुपया कर्जा लिया था। जितना का लैका ना उतना के झुंझुना, तो बात वही हो गया। 14,000 रुपया लिए और 9 सालों में 13,000 रुपया हम भुगतान कर दिए उसका ब्याज। तो जो दिया उसको तो भैया राम है राम है, 14,000 दिए और 13,000 मिली है, क्या 1,000 ना है? अभी 14,000 और देगा वो। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के, यहाँ पर त्रिभुज की बात हो रही है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई की लंबाई कितना होगा? तो उत्तम वो जो त्रिभुज है उसकी लंबाई कितनी होगी? एक त्रिभुज को चारों तरफ से नाप रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो वो लंबाई निकालने के लिए मैथ का फॉर्मूला आपको लगाकर बनाओगे तो आंसर आएगा 16 पाई सेंटीमीटर, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 88, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टोपियां खरीदी तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसने 1 रुपए में कितने टोपी बेचनी चाहिए? तो 1 रुपए में लाभ कमाने के लिए कितना टोपी बेचेगा? देखो 1 रुपए में 10 खरीदा, ठीक है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टोपियां खरीदी, तो बेचने के लिए क्या करेगा? बेचने के लिए कर देगा 8 टोपी बेचेगा, 1 रुपए में 8 टोपी बेचेगा और 2 टोपी का ज्यादा का दाम कमाएगा तो उसको भी फायदा हो जाएगा 25% का, 25% का। क्वेश्चन नंबर 89, पी और क्यू की औसत मासिक आय 8,500 है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,450 है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 7,300 है, तो क्यू की मासिक आय कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7,650, उसका आंसर हो जाएगा मासिक आय क्यू का। क्वेश्चन नंबर 90, सरलीकृत करें, इस सवाल का जवाब आपको देना है, मैं केवल आंसर बता सकता हूं, आंसर होगा इसका बी। आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट डी, जिसमें हम कंप्यूटर के सवाल है, प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कीज का उपयोग किया जाता है, कौन से कीज का उपयोग किया जाता है? फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 में है, किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है, वो कौन सा है जिससे नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक की पैड मतलब नंबरों का पैड, कीबोर्ड। आप कीबोर्ड में देखोगे तो नंबर वाला एक अलग ही भाग होता है, उससे आप नंबर एकदम तेजी में टाइप कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिक की पैड। क्वेश्चन नंबर 93, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड, इसको कार्ड भी बोला जा सकता है, तो कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से, वहां पर कार्ड और कैड दोनों का इस्तेमाल होता है डिजाइनिंग से, क्योंकि डिजाइनिंग में काटना, जोड़ना, मिलाना, समझना, उसको नया डिजाइन देना, ये सब जरूरी होता है ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 94, अनप्रोस्टेड आइटमों का कलेक्शन है, कहां पर होता है कलेक्शन? डाटा, उस कलेक्शन को डाटा बोलते हैं। कोई भी आप कनेक्शन करोगे, चाहे किसी चीज का कलेक्शन करके अपने पास रखोगे, तो कंप्यूटरी भाषा में उसको डाटा बोलते हैं। और कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है, मतलब एक
बहुत पावरफुल कैलकुलेटर, बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 95, डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक स्टोर करते हैं। समझ लो कि ज्यादा कलेक्शन करना है तो किससे करोगे? नंबर से तो करोगे, दूसरा चीज तो है ही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 96, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर इंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने के लिए, उसको चलाने के लिए डैश होता है, तो उसको स्टैंड बाई मोड बोलते हैं, जिसके वजह से इस तरह के मोड यहाँ पर रखे जाते हैं। मॉनिटर और हार्ड ड्राइव को कंट्रोल किया जा सकता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 97, एक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हजारों कंपोनेंट लगते हैं, हजारों टूल्स इसमें डालना पड़ता है, तब जाकर एक कंप्यूटर चलता है। सेव्ड सेव डॉक्यूमेंट को डैश कहते हैं। तो सेव डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 98, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल चाहे प्रयोग किया जाता है? तो रिज्यूम बनाने के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर ए। ये तो बच्चा बच्चा को पता है। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो कंप्यूटर का वही भाग है जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है। आंसर इसका क्या होगा? बताओ बताओ। हार्डवेयर, हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है। और ये 98 का आंसर देख लो, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि ए और बी मतलब पेज मेकर से भी रिज्यूम बनता है। आप बहुत जगह पर देखोगे तो पेज मेकर से लोग रिज्यूम बनाते हैं। एमएस वर्ड और पेज मेकर दोनों से रिज्यूम बनता है। क्वेश्चन नंबर 100, मतलब लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? ऐसा कौन सा इसमें मेमोरी है जो अस्थायी मेमोरी के रूप में उसको माना जाता है? रैम, रोम या कैश मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, मतलब अस्थायी मेमोरी के बारे में बताना है। तो रैम ही इसमें का अस्थायी मेमोरी है। रैम, रोम को निकाला जा सकता है लेकिन रैम को नहीं निकाला जा सकता है, ये सच्चाई है। तो प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है, और फिर मिलते हैं अगले सेट में, सेट 22.1 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आपको कुछ भी जानना हो तो आप मेल पर, नहीं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर में रिप्लाई मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।